बेस्ट फोन अंडर 10,000 rupees इन 2024। दोस्तों अगर आपको 10,000 के अंडर में या फिर 10,000 के आसपास में एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए और अगर आप कंफ्यूजन में है कि इस बजट में कौन कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। इस वीडियो में मैंने 10,000 के बजट में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को रखा है, जिसमें इस बजट के हिसाब से सभी फीचर्स काफी बढ़िया मिलेगा। कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी वगैरह सब कुछ बढ़िया मिलेगा। और हाँ, कुछ 5G फोन भी है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो को। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं 5 नंबर वाले फोन से। 5वें नंबर पे आता है रेडमी की तरफ से रेडमी 12 4G। गाइस अगर आपको 10,000 के अंडर में ही एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए जो दिखने में भी काफी खूबसूरत सा हो, तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। काफी बढ़िया ये फोन है। क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है चलिए देखते हैं। अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो उसमें 6.79 इंच का फुल HD प्लस पंच होल IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 450 nits का ब्राइटनेस है एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है एंड रिफ्रेश रेट वगैरह भी काफी बढ़िया है। डिस्प्ले इस फोन का बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इस फोन के बैक साइड 3 कैमरा मिलेगा, यानी कि ट्रिपल कैमरा सेटअप है। प्राइमरी कैमरा 50 megapixel का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो की 8 megapixel का है, थर्ड कैमरा 2 megapixel का है एंड सेल्फी कैमरा वो 8 megapixel का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। भाई सब कैमरा को खराब नहीं कह सकते हैं, 10,000 के अंडर में काफी बढ़िया कैमरा है इस फोन का। प्रोसेसर की बात करेंगे तो उसमें MediaTek Helio G88 वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये 4G प्रोसेसर है एंड यह प्रोसेसर 12 nanometer के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। और हाँ, 2.5 लाख के आसपास Antutu स्कोर भी है। 10,000 के अंडर वाले फोन में अगर ये प्रोसेसर मिल रहा है तो ये चीज खराब नहीं है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो की सपोर्ट करता है 22.5W का चार्जर को। 5000mAh का बैटरी मिल रहा है तो आपको बैकअप अच्छा खासा मिल जाएगा एंड चार्जर भी ठीक है। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 4GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा भी सकते हैं। बात रहा बिल्ड क्वालिटी का, तो इस फोन का बैक साइड ग्लास का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। ग्लास बैक के साथ आ रहा है तो दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है। 8.17mm का थिकनेस है एंड 198g इस फोन का वेट है। तो डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है। इसमें 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा। हाइब्रिड स्लॉट भी है जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन MIUI 14 के साथ आता है जो कि Android 13 पर बेस्ड है। IP53 का रेटिंग भी मिलेगा इसमें। तो चलिए ये फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन 2 वेरियंट में आता है। बेस वेरियंट का प्राइस यानी कि 4128 वाले वेरियंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 9,500 रुपया है और 6128 वाले वेरियंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 10,500 रुपया है। तो ये बजट में आने वाला ये एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब गाइस लिस्ट के 4th नंबर पे आता है रियलमी की तरफ से रियलमी C55। अगर आपको 10,000 के अंडर में ही एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए जो दिखने में भी खूबसूरत सा हो, तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस फोन का डिस्प्ले से ही। गाइस इसमें 6.72 इंच का फुल HD प्लस पंच होल LCD डिस्प्ले मिलेगा। इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है और 550 nits का ब्राइटनेस भी है। 10,000 के बजट के हिसाब से डिस्प्ले जो है ना काफी बढ़िया मिलेगा एंड स्मूथनेस भी काफी तगड़ा लेवल का है। ब्राइटनेस ठीक है, एवरेज टाइप का कह सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो गाइस इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 64 megapixel का है, सेकेंड कैमरा 2 megapixel का है और सेल्फी कैमरा वो 8 megapixel का है। प्राइमरी कैमरा का 1.7 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। नो डाउट कैमरा इस बजट के हिसाब से बढ़िया मिलेगा, खास करके प्राइमरी कैमरा बढ़िया है। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें MediaTek Helio G88 वाला प्रोसेसर मिलेगा। 4G चिपसेट है एंड 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और 2,10,000 के आसपास Antutu स्कोर भी है। स्कोर ठीक है, 9-10,000 वाले फोन में अगर ये प्रोसेसर मिल रहा है तो खराब नहीं है, प्रोसेसर बढ़िया है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का फास्ट चार्जर को। 1 घंटा सवा 1 घंटा में आपके फोन को फुल चार्ज करके दे देगा। इसमें 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा एंड आप 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा
भी सकते हैं। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है। 190 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.8 mm का थिकनेस है। काफी पतला सा फोन है एंड वेट एवरेज टाइप का ही है। डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में खूबसूरत सा लगता है। इसमें 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा। ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी दिया गया है जिससे आप डबल सिमेंटिक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन रियलमी UI 4.0 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। तो चलिए आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो गाइस इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 464 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 8,999 रुपया है। तो अगर आपको 9,000 रुपया में एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। वैसे इस फोन का टॉप वेरिएंट भी आता है जिसका प्राइस 10,000 से कुछ ज्यादा ही है। तो बेस वेरिएंट ही आपके लिए अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकता है इस फोन का। तो चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब गाइस लिस्ट के थर्ड नंबर पे आता है मोटो की तरफ से मोटोरोला G32। हाँ ये फोन थोड़ा सा पुराना जरूर हो गया है बट अभी के टाइम पे भी 10,000 के अंडर में आने वाला ये एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो प्लास्टिक बॉडी के साथ ये फोन भी आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 184 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.49 mm का थिकनेस है। वेट और थिकनेस को एवरेज सा कह सकते हैं और डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। इसमें 3.5 वाला हेडफोन जैक मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स भी दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। इसमें हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा। ये फोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जिसके कारण इस फोन में एक भी फालतू का एप्स रेड्स वगैरह नहीं दिखेगा जो कि रन करता है एंड्रॉइड 12 पर। 1 ईयर का मेजर अपडेट मिलेगा एंड 2 ईयर तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.55 इंच का फुल HD प्लस पंच होल IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा और हाँ इसमें 90 Hz का रिफ्रेश रेट गया है। 10,000 वाला फोन का डिस्प्ले पंच होल डिस्प्ले है तो अच्छी बात है एंड 90 Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो ये चीज खराब नहीं है। डिस्प्ले तो बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 MP का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो की 8 MP का है, थर्ड कैमरा 2 MP का है एंड सेल्फी कैमरा वो 16 MP का है। इस फोन के आगे पीछे दोनों ही कैमरा से मैक्सिमम 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। गाइस इस फोन का कैमरा जो है ना 10,000 के बजट के हिसाब से बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का। तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि एक 4G प्रोसेसर है एंड 6 nm पर बना हुआ है। खास करके 10,000 के बजट के हिसाब से ये प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 30W का चार्जर को। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और गाइस इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 9,999 रुपया यानी कि 10,000 रुपया है। और 10,000 के बजट में आने वाला ये एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है Redmi की तरफ से Redmi 13C 5G। गाइस 10-11 हजार के बजट में आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया 5G फोन है और हाल ही फिलहाल में ये फोन लॉन्च हुआ है। तो अगर आपको इस बजट में कोई लेटेस्ट बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए या फिर कोई 5G फोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो इसमें 6.74 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। इसमें 90 Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 600 nits का पिक ब्राइटनेस दिया गया है। ब्राइटनेस ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है एंड रिफ्रेश रेट इस बजट के हिसाब से ठीक है। डिस्प्ले ठीक है बट वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, यही चीज दिखने में थोड़ा सा खराब लगता है। कम से कम यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले रहता तो काफी मजा ही आ जाता। खैर कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 MP का है, सेकंड कैमरा 0.08 MP का है। सेकंड कैमरा यूजलेस कैमरा समझ सकते हैं एंड सेल्फी कैमरा वो 5 MP का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। देखिए इस फोन का प्राइमरी कैमरा ही थोड़ा सा बेटर मिलेगा, बाकी का कैमरा से बिल्कुल भी उम्मीद मत कीजिएगा। हाँ सेल्फी कैमरा एवरेज टाइप का है। बात करेंगे प्रोसेसर का अब तो गाइस इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि एक 5G प्रोसेसर है एंड 6 nm पर बना हुआ है और 375,000 प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। नो डाउट इस बजट के हिसाब से प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का। तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करते हैं 18 वाट
वाट का चार्जर को, में जो भी हल्का फुल्का टाइम ले सकता है, बट 5000 mAh का बैटरी मिल रहा है तो बैकअप मिल जाएगा। और हाँ, 10-11000 वाले फोन में अगर 18 वाट का चार्जर भी मिल रहा है तो ये चीज खराब नहीं है। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 4GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। ये फोन 192 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 8.1 mm का थिकनेस है। डिजाइन वाइज दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है। इसमें 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन MIUI 14 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। चलिए आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो गाइस, इस फोन का प्राइस अमेजोन पर फिलहाल के टाइम पे 10,999 रुपया यानी कि 11,000 रुपया है। अगर आपको 10-11,000 रुपया में 5G फोन ही चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब गाइस, लिस्ट में आखिरी बेस्ट स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से, पोको M6 Pro 5G। अगर आपको 10-11,000 के बजट में एक अच्छा पावरफुल 5G फोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बजट में आने वाला एक अच्छा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी 5G फोन है। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो पहले स्टार्ट करते हैं इस फोन का डिस्प्ले से ही। इसमें 6.79 इंच का फुल HD प्लस पंच होल IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा। इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट एंड 240Hz कट ऑफ सैंपलिंग रेट आ गया है। 550 nits का ब्राइटनेस है एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। 10-11,000 वाले फोन में ये डिस्प्ले मिल रहा है तो ये चीज खराब नहीं है। स्मूथनेस वगैरह काफी बढ़िया है एंड ब्राइटनेस एवरेज टाइप का है। खैर, इसके अलावा कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड दो कैमरा मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 MP का है, सेकेंड कैमरा 2 MP का है और गाइस सेल्फी कैमरा वो 8 MP का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। इस फोन में ज्यादा कैमरा तो नहीं है बट हाँ, खास करके प्राइमरी कैमरा इस फोन का बेटर मिलेगा एंड सेल्फी कैमरा वगैरह एवरेज टाइप का है। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलेगा। 5G चिपसेट है एंड यह चिपसेट 6nm पर बना हुआ है और 4.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। नो डाउट प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी काफी ज्यादा है। इसमें LPDDR4X का रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप भी मिलेगा। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 18W का फास्ट चार्जर को। हाँ, हल्का फुल्का टाइम ले सकता है चार्जिंग में बट हाँ, एक बार चार्ज होने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप भी दे देगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा भी सकते हैं। बाकी बात, इस फोन का बैक साइड ग्लास का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 199 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.17 mm का थिकनेस है। ग्लास बॉडी के साथ आ रहा है तो काफी अच्छी बात है एंड दिखने में काफी खूबसूरत सा भी लगता है ये फोन। तो बिल्ड क्वालिटी बढ़िया मिलेगा। बाकी बात, 3.5 mm वाला हेडफोन जैक दिया गया है। हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। ये फोन MIUI 14 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। IP53 का रेटिंग मिलेगा। ये फोन आयर ब्लास्टर के साथ आता है। तो चलिए आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 4128 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 10,999 रुपया यानी कि 11,000 रुपया है। ये फोन उनके लिए बेस्ट होगा जिनका बजट 10,000 से ज्यादा है या फिर उनके लिए जिनको 10-11,000 रुपए में एक अच्छा 5G फोन चाहिए। वैसे अगर आप इस फोन को सेल वगैरह में लेंगे तो 10,000 तक में आराम से ये फोन आपको मिल जाएगा। खैर, इस वीडियो में मैंने 10,000 के आसपास में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को बता दिया है। अब ये चीज आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर हो सकता है। आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ।